मैं तो लकी से बहुत झगड़े कर लेती हूँ फोन पे और मुझे बहुत मजा आता है। वो इसलिए, खूबसूरत दिखना छोटी मोटी बात नहीं होती, इसके पीछे हम गर्ल्स को बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्किन रूटीन हमें करने पड़ते हैं, उसके बाद जो हमारा मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून में, और आज अभी सिर्फ 2 बजे हैं, और जो मगरिब का वक्त होता है ना, जैसे अंधेरा हो जाता है बिना लाइट के घर के अंदर, और बिल्कुल ही बस अभी 7 बजे का टाइम है, वैसा वाला वेदर हो गया है। और इतनी तेज बारिश है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाऊँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप देखो सामने घर या कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा वेदर हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बादल इतने जोर जोर से गरज रहे हैं, जब बादल गरजते हैं तो लाहौल पड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह का कहर होता है। सो मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, आप सीसीटीवी देख सकते हैं, रोड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक्चुअली कैमरा है लेकिन ये यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आज का मुझे वेदर जो है, ऐसा वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मैं अकेली हूँ अभी घर पे, अल्तमश आने के हैं क्योंकि अभी 2 ही बजे हैं, और एक्चुअली तो बैल्कनी में बैठ के आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे, वहाँ बैठ के चाय पीने वाला वेदर है, लेकिन अभी आफ्टरनून है तो मैं अभी लंच करूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने लंच में क्या बनाया है। सो मैं ले आई हूँ अपना लंच ऊपर, और आप देख सकते हैं आज मैं लंच में करने वाली हूँ सिर्फ भरवा बैंगन और पूरी, आज मैं बिल्कुल भी राइस दाल कुछ नहीं खाने वाली हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है, और वैसे भी जब बारिशें आती हैं, वेदर ऐसा होता है, तो पूरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज आंटी नहीं आए, और आज आंटी ने धोखा दिया, आज आंटी ने कॉल भी नहीं किया, बताया भी नहीं, और आंटी आई नहीं। उसके बाद आंटी का मुझे कॉल दिखा है 11 बजे का, लेकिन 11 बज चुके थे तो मुझे पता था ये कॉल नहीं आने के लिए, सो मैंने उन्हें कॉल बैक नहीं किया, और उसके बाद फिर कोई फ़ोन भी नहीं आया। तो उसके बाद मैं मेरे कामों में लग गई, और आज घर के सारे काम मैंने बड़े डीपली किए, बड़े अच्छे से किए, बड़े दिल लगा के किए। और ये जो सब्ज़ी आप देख रहे हैं भरवा बैंगन, बहुत ही टेस्टी, ये मैंने बनाई है खुद, और दाल राइस भी बनाए हैं, एक और सब्जी है, लेकिन मैं भी ये वाला लंच करूँगी। तो मैं मेरा लंच करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वैसे मैंने सब्जी में नमक डाला था, पता नहीं, भूल गई मैं, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मेरा हो गया है लंच, और जैसे सभी जानते हैं कि जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं करती हूँ मेरा सारा ही लगाना करना, तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, तो मैं वो फेस पे तो अप्लाई करती हूँ, प्लस सारे काम होने के बाद हैंड्स पर भी अप्लाई करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइट है बहुत ज़्यादा। सो हो गए सारे काम, फ्रेश हो गई हूँ, अकेली हूँ, बहुत बोर हो रहा है, शूट मैंने अभी तक किया नहीं है कोई एक्स्ट्रा, एक्चुअली झटकी के काफ़ी अच्छे लहंगाज आए हुए हैं जो कि रिक्वेस्टेड है, और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब इंडो वेस्टर्न भी है और दूसरे भी, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल। और मेरी फेवरेट डायमंड रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, जब मैं लकी के साथ की जाती हूँ तब इसे वेयर करती हूँ, और ये वाली भी मेरी मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही मतलब कम मैं इन्हें वेयर करती हूँ, बहुत कम। खूबसूरत दिखना छोटी मोटी बात नहीं होती, इसके पीछे हम गर्ल्स को बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्किन रूटीन हमें करने पड़ते हैं, उसके बाद जो हमारा स्किन है वो नेचुरली प्यारा दिखता है। सो भैया इसको एवे ही मत लो, जो हस्बैंड से प्लीज अच्छी वाली सारी बीवियों की कदर करो, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अच्छा दिखने के लिए, और ये डायलॉग स्पेशली लकी के लिए था। एक्चुअली मैं अपने ही ना हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने वाली हूँ, मुझे कॉल आ रहा है कंटिन्यू कि आप कब आ रहे हो कब आ रहे हो, सो बहुत लेजी हो गई हूँ मैं जब से बीमार हुई हूँ,
और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, जितना रेस्ट कर रही हूँ ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। सारा कुछ हाथ में मिल रहा है, सेवा हो रही है, लकी की कंटिन्यू कॉल चालू है, दवाई लिया, खाना खाया, ये किया वो किया। तो कई बार हम जब बीमार होते हैं उसके बाद जो हमारी बहुत ज्यादा सेवा चलती है, हमारी किस्मत चलती है, वो भी वक्त हमें इंजॉय करना चाहिए, और फिलहाल मैं वही कर रही हूँ। सो हेयर स्ट्रेटनिंग करवाना है, जब भी जाऊंगी ब्लॉग जरूर शेयर करूंगी, जल्दी करूंगी। बारिश हो रही है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आज का दिन ऐसा है सीरियसली, मतलब काफी दिन बाद नहीं, ये समझ लो कि 2018 में अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के पहले ही ऐसा टाइम होगा मेरे पास, मतलब यूट्यूब चैनल से पहले, कि मैं अपने घर और बाकी सब करने के बाद, बाहर का कुछ करने के बाद फ्री हो जाती थी, तो मेरे पास मेरे लिए भी बहुत वक्त होता था। लेकिन जब से चैनल्स हुए उसके बाद ना, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास काफी अच्छा वक्त है, मैं बैठी हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब मैं अगर आपको पार्सल दिखाऊं तो इतने सारे पार्सल जमा हो गए, कुर्तीज, साड़ीज, हैंडबैग्स और ज्वेलरी, और एक तो मुझे ना हैंडबैग्स गिफ्ट आए हैं बहुत प्यारे वाले, इतने प्यारे हैं, दो बैग और ज्वेलरी मुझे गिफ्ट आई है, दो तो तीन सॉरी, बहुत ही प्यारी ऑसम वाली, मतलब एकदम क्लासी, बिल्कुल देखने के बाद दिल खुश हो जाए ऐसी वाली, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन एक्चुअली मुझे शूट करना दिल नहीं कर रहा है, दिल मीन्स के होता है ना, जब हम पूरे तरीके से ठीक नहीं होते तो हमको अंदर से फील होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक्चुअली मुझे वैसा हो रहा है। अभी भी मेरे जो कान है वो पूरे तरीके से खुले नहीं है, अभी भी थोड़ा वाला बहरा हूं मैं। व्लॉग आप सभी रिक्वेस्ट करते हो दी, भले 5 मिनट का डालो, 10 मिनट का डालो, लेकिन शेयर करो, तो हाँ वो भी शेयर करूंगी। सेकंड मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, कोई मेरी सब्सक्राइबर है, उनके हस्बैंड उनको मारते हैं, बहुत परेशान है वो, मतलब अपने इन लॉज से, हस्बैंड से, तो उनका कहना है कि प्लीज़ ये कुछ शेयर करें, कुछ बताएं कि कैसे सब ठीक करें। मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, पता है, ऐसे कपल्स पे जो अपनी वाइफ पे हाथ उठाते हैं, मोहब्बत से नहीं रहते हैं, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि किसी के बोलने से या कुछ बताने से या कोई ट्रिक नहीं होती है कि ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, इसके लिए इंसान का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेचुरली तुम्हारे हस्बैंड का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे कई बार ना, मतलब बहुत कन्फ्यूज़ होता है कि मैं मेरी सब्सक्राइबर्स को क्या रिप्लाई करूँ, क्या बताऊँ, तो वजीफ़ा है उसके लिए, बस यही मेरे, मैं तो यही बता सकती हूँ कि जब इंसान ऐसी हालत में आ जाए कि उसके पास कोई रास्ता ना हो, उसको समझ ना आए कि हमें क्या करना है, तो ऐसे वक्त में आपके पास ऊपर वाले ने कुछ वजीफे, मतलब वजीफा मीन्स के कुछ तरीके बताए हैं आपको, आप वो कीजिए, उससे मांगिए। मुझे इतना पता है कोई भी जात हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप ऊपर वाले से मांगो, उसके सामने रिक्वेस्ट करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि मैं यही करती आई हूँ। और हस्बैंड के मामले में तो टच वुड मुझे नहीं करना पड़ा, माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है और बहुत फ्रेंडली है, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है माशाल्लाह, और हमेशा ऐसे ही रहे। और लेकिन हाँ, वजीफा है, मैं जो आपके साथ उनके साथ कल शेयर करूँगी। मैंने बोरिंग और किया था और वो भर गया था, तो मैं उसे बंद करने गई थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो मुझे मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा हमेशा से रिक्वेस्ट आती है, जो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही थी रमज़ान के बाद से, कि हस्बैंड से रिलेटेड, कि हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सी मेरी बहनें हैं जो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, जो परेशान है, जो हमेशा कहती हैं कि दी क्या करें, कुछ शेयर करें, कुछ बताएं, क्योंकि ज़िंदगी देखिए हस्बैंड से होती है, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, बस इसके लिए यही है कि आपको बैठ के बात करना होगा, चीज़ों को बैलेंस करना होगा, और इतना करने के बाद भी बात तब बनती है जब आपका पार्टनर उन बातों को समझेगा, उसको फॉलो करेगा। अगर आप हर चीज़ बैलेंस कर रही है, समझ रही है, कहीं ना कहीं आप खामोश हो जा रही है, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि अगर आप पे जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसा तो नहीं कि आपके हस्बैंड का नेचर है कि आप आगे से पलट के कुछ ना बोलो और आप ज़्यादा बोल देते हो, वो भी वजह हो सकती है कि वो अपने आपे से बाहर आ जाता होगा आपका हस्बैंड, एंड देन आप पे हाथ उठाते होंगे। कुछ नेचर ऐसे होते हैं उसमें हमारा बस नहीं होता, कई बार कुछ आदमी इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि डायरेक्टली मारने पे आ जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंस होते हैं जो चुप हो जाते हैं, तो जो मारने वाले हैं आप देखें कि ऐसी क्या वजह होती है जब वो डायरेक्टली मारने पे आते हैं, तो पहले तो कोशिश करें, अगर वो चीज़ आप बदल सकते हो तो बदल लो, अगर ऐसा नहीं है कि नहीं आप चुप हो, और उसके बाद भी कई बार कोई ज़बरदस्ती करता है, साइको होते हैं कुछ लोग, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आदमी
को ही सब कुछ बदलना पड़ेगा, आदमी को अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। उसके अलावा आप कितने भी एफर्ट करो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बस एक चीज़ हो सकती है जो मैंने देखे हैं करिश्मे कई लोगों की जिंदगियों में कि हाँ वजीफे है। तो मैं अगर ऐसी मेरी बहनें, क्योंकि मुझे कमेंट्स तो बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ मुझे कमेंट्स करते हैं दी हमने आपका वो व्लॉग से आज तक के पूरे व्लॉग देखे हैं लेकिन कमेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो कई मेरे साइलेंट सब्सक्राइबर्स भी हैं जो बेचारे परेशान तो है लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाते, तो मे बी उन सबके लिए जो ये वजीफा है वो हेल्पफुल रहेगा, तो मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और सेकेंड, मुझे ये भी रिक्वेस्ट आती है इन लॉज से रिलेटेड कि एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनके ससुराल वाले उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ को कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं करने देते। तो देखिए, मैं उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड इस चीज़ को समझे। जब वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं आपके इन लॉज, तो आपके हस्बैंड भी बच्चे नहीं हैं, उनको भी समझ रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड उस चीज़ को समझे। और अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आप दोनों के बीच कोई इतना ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके अकेले के सोचने से या मेरे कहने से नहीं होगी, इसके लिए आप हस्बैंड वाइफ को ही डिसीजन लेना होगा। और सबसे ज़्यादा अहम है आपके हस्बैंड इसमें, क्योंकि बात आपके इन लॉज की आ रही है। तो कोई भी लड़की में हिम्मत या कोई भी लड़की को अगर कोई तकलीफ है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड निकाल सकता है। हस्बैंड का सपोर्टिव होना, हस्बैंड का साथ देना, सिचुएशन को हस्बैंड का समझना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर सिर्फ हस्बैंड के साथ करें, उनको बताएं, उनसे बात करें, ताकि आप इन चीज़ों से निकल सके। लेकिन आप इन चीज़ों को दिमाग में रख के नहीं बैठे। जब आपके हस्बैंड बाहर से आते हैं, सडनली वो सारी बातें डिस्कस नहीं करें। बहुत प्यार से, बहुत मीठे से हस्बैंड को लें, बहुत समझा के लें। याद रखिए, हस्बैंड वो चीज़ है जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, दुनिया की टेंशन उनके दिमाग पे होते हैं। ऐसे में अगर आप हर चीज़ों को समझाते हुए करेगी तो हस्बैंड आपकी हमेशा सुनेगा, लेकिन अगर आप वही हावी होकर हर चीज़ करेगी तो वो भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को आप भी बैलेंस करके रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, फिर चीज़ें सब अच्छी होती जाती हैं। सो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप बोलते हो दी, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक दो लाइन में रिप्लाई नहीं दिए जा सकते, आप समझ सकते हैं, बस वही वजह है। अदरवाइज अगर रिप्लाई दे सकती तो मैं ज़रूर से देती, और टाइप मैं कितना करूँ, है ना, कॉमेंट में। तो बस वही वजह है, अदरवाइज मैं आप सबको इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। और भी बहुत सारे सवाल है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्होंने कहा है एक वीडियो के थ्रू हमारे साथ शेयर करें, तो वो भी मैं टॉपिक पे बहुत जल्दी आपसे बात करूंगी। वजीफा मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। आज तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अभी बारिश को। और बस ये छोटा सा व्लॉग था आपके लिए, क्योंकि आप सभी के कॉमेंट्स मैंने कल देखे कि दी प्लीज भले ही 5 मिनट का व्लॉग शेयर करें, लेकिन डेली बेसिस पे व्लॉग शेयर करें। तो बस आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा है, रिलैक्स बिल्कुल, और आगे का भी दिन मेरा रिलैक्स जाने वाला है। शाम में मैं आज बाहर निकलूंगी, और मुझे एक्चुअली मेरे लिए कैमरा लेना है, और कल हम लोग जाएंगे मार्केट शॉपिंग, दूसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि बैल्कोनी का मेकओवर स्टार्ट करना है। एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया है कुछ DIY पेंटिंग्स, तो एक ही दिन में तो एक ही इसमें एक ही वीडियो में सब दिखाऊंगी, लेकिन स्टार्ट मैंने कर दिया है, तो वो सारा कुछ आपको देखने मिलेगा आगे, और बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, ये वाला वॉल था जिसका मेकओवर मैं करने वाली हूँ, आपको दिखा देती हूँ ये वाला। और आपको पता होगा इस वाले वॉल पर कुछ रेड कलर के स्टिकर्स थे जो आपको मेरे मेकओवर के दौरान देखने के लिए मिलेंगे, पुराने और नए, तो मैंने वो सारे ही रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि मेरे जो वॉलपेपर्स है वो मुझे रिसीव हो जाएंगे कल, और उसके बाद मैं फिर मेरे वॉल का मेकओवर स्टार्ट करूंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अब अल्तमश आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर मैं बिजी हो जाऊंगी, फिर ये व्लॉग यहीं अटक जाएगा। तो छोटा सा व्लॉग था बस मेरी कुछ बहनों की रिप्लाई के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझे इंस्टा पर भी कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहे हैं, उनके लिए था कि बस आप यही कर सकते हैं कि अपने रिश्ते को संभाल के चले। हस्बैंड के साथ हमारी जिंदगी है, बहुत प्यार से लें। अगर आप हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार से लेंगी ना, तभी आपके रिश्ते सही होंगे। और याद रखना, किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहम भूमिका प्ले करता है आपका रोल सिर्फ वाइफ का। वाइफ चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एक वही होती है जो अपने पूरे घर को बैलेंस करती है, बच्चे बैलेंस करती है। तो आप अपने आप को कहीं भी इतना बिजी नहीं करें कि आपकी फैमिली इग्नोर हो। याद रखना, किसी के भी लिए, भले वर्किंग वूमन हो, हाउस वाइफ हो, या कोई भी हो, भले वो मतलब कितनी बड़ी पायलट क्यों ना हो, हस्बैंड, बच्चा, फैमिली पहले होती है, बाद में सब कुछ होता है। तो आपकी ज़िंदगी में आप लिस्ट बनाएं कि आपके लिए कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, जिसके लिए आप ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, बस उनकी लिस्ट बनाएं और उनके हिसाब से ज़िंदगी जिए, तो रिश्ते सब बराबर बैलेंस हो जाते हैं। मुझे तो इतना ही पता है कि बस उससे सब अच्छा हो जाता है।
और बस अपने हस्बैंड वाइफ में जो प्यार, जैसे हस्बैंड बिजी रहते हैं, हम घर होते हैं, भले जैसे मैं भी इतना बिजी रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड को कॉल करें, एक एक घंटे में कॉल करें, बात करें उनसे, डिस्कस करें, तो इससे बस यही होगा कि उनको आपका एहसास होते रहेगा, आप है आप है। ऐसा नहीं करें कि दिन में दो फोन किए खत्म, एक फोन किया खत्म, या उनका आ गया बात हो गई बस खत्म, नहीं। उनसे बात भी हुई हो तब भी आप फोन करें, उनसे बात करें। मैं तो बहुत तंग करती हूँ लकी को, लकी मुझसे बहुत परेशान हो जाता है, और होना चाहिए, क्योंकि ये प्यार का जो बोलते हैं ना, एक बना के रखना, इसका एक तरीका है। तो अब तो आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया है, क्या लगता है, एक फ़ोन घुमाओ, बात करो, खैर खैरियत लो, खबर लो, डांटो, रख दो। और याद रखें कि फ़ोन पे कभी झगड़ा ना करें, मैं तो कर लेती हूँ मैं इसलिए कर लेती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं झगड़ा इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि वो मुझे मना लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर हस्बैंड ऑलरेडी अच्छा नहीं है, फिर आपका झगड़ा भी हो गया, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर ऐसे किसी के रिश्ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, फोन पे झगड़ा नहीं करें, और बस अपने जोड़े में मोहब्बत रखने के लिए आप बिल्कुल अपने हस्बैंड के दिमाग पे छाई रहें। और छाए रहने के लिए हस्बैंड तो आपके बाजू हमेशा बैठा नहीं रहेगा, वो तो काम से जाएगा ही, तो आप फोन के दौरान, एक मैसेज के दौरान, वीडियो स्टेटस जो आते हैं, उनके तरीके से आप एक दूसरे के टच में रहें, क्योंकि लकी अभी काफी वक्त बाद घर से कंटिन्यू बाहर है। और इस बीच में ना हम लोग बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे होते हैं, कॉल बात रात में बात, तो हम बिल्कुल वैसा वाला लाइफ अभी जी रहे हैं, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। अच्छा लगता है, होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जो लोगों की लाइफ से ये चीज़ें मिस हो गई हैं, उसको वापस लाएं, और कोशिश करें अच्छे बन के रहें, फ्रेश रहें। मैं हमेशा कहती हूँ, खुद को अच्छा रखें। आप जब खुद को अच्छा रखेंगे ना, तो आपको खुद फील होने लग जाएगा आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। अपने घर के काम करें, भले मेड हो, मेरे पास मेड है, लेकिन मैं अपनी सफाइयाँ, अपने काम, अपने पूरे एफर्ट्स देती हूँ घर पर, तो ये आप खुद दें, देखो आपको बहुत फ्रेश फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये सब करती हूँ, तो इसलिए जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो बस ये कुछ थी टिप्स जो आप चाहते थे, ये मैं टिप्स किसी की आपको दी नहीं है, ये मैंने अपनी बातें आपको बताई है। मेक श्योर आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाना, ऐसे मत जाना। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आपको मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और प्लीज आप सब खुश रहें, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है, खुद को खुश रखें, बस जिंदगी जीने का यही फंडा है।